अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था लंग पैथोलॉजी, जो कि बीच में फिर रुक गया, और अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, और इसको पूरे को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट की थी वो भी न्यूमोकोनियोसिस जो डिजीज़ हमारी है, और न्यूमोकोनियोसिस में कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस यानी एंथ्रोकोसिस का हम जिक्र कर चुके थे, और अब अगली डिजीज़ हमने करनी जो है सिलिकोसिस एंड देन एस्बेस्टोसिस। एक बात मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हैं, ये जिसकी कैटेगरी में ये सारी आ रही हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछी जाती। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज जो हमने पहले पढ़ी थी वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी है मैं सारी बताऊंगी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। लंग के बाद हमने एंड और सीवीएस भी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है मैं करा दूंगी, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको लेके ही चलूंगी डिटेल में। बाकी में से सिर्फ आपको उनका एक ऊपर ऊपर से नो हाउ देती जाऊंगी, ताकि हमारे पास टाइम बच सके। जैसे लंग्स में से ही ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लंग ट्यूमर्स आपके ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा कुछ मॉर्फोलॉजीज़ हैं बीच में, निमोनिया की, टीबी की, वो ज़्यादा आने वाली चीज़ें। उसके अलावा वाली चीज़ों को हम सिर्फ टच करके आगे चलते जाएंगे, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं पूरा डिटेल में आपको इंशाल्लाह लाजमी एक्सप्लेन करूँगी, ताकि हमारी एंडो भी हो जाए। अच्छा जी, सिलिकोसिस से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बात वही वाली है कि ये हमारी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हैं, वो हम पढ़े। रिस्ट्रिक्टिव वो वाली होती हैं जो कि आपके लंग में कहीं पर फाइब्रोसिस कर देती हैं। जब भी फाइब्रोसिस हो जाता है, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि फाइब्रोसिस का मतलब है कि वहाँ पर आपका एक ऐसा टिश्यू बन गया जिसमें कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की एबिलिटी नहीं है। नॉर्मली लंग आपका स्पॉन्जी होता है, इतने आराम से ऐसे वो जाहिर सी बात है रिलैक्स करता है ना, जब उसके अंदर हवा भरती है और फिर वो सारा का सारा ऊपर होता है जब एक्सहेल करते हैं हम। तो वो वाली एबिलिटी जब लंग में ख़त्म हो जाती है, तब उसका मतलब होता है कि अब हमारे पास कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। अब वो एक्सपैंड नहीं कर पाता, जब हम इनहेल करते हैं वो सही से एक्सहेल नहीं कर पाता। वो चीज़ तब डेवलप होती है जब लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है, जब उसमें कॉलेजन फाइबर्स डिपॉजिट हो जाते हैं। और हमारी सारी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस का यही एक ओवरऑल व्यू है, ठीक है। उसमें से अब जो सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस के बारे में दो चार जो बातें आपने सिर्फ याद रखनी है। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन जो आपकी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेज में से, क्योंकि सारी ऑक्यूपेशन से आ रही ना, सिलिका भी आपको पता है कि सैंड ब्लास्टिंग और हार्ड रॉक माइनिंग इंडस्ट्रीज में होता है। तो ये आपने इंडस्ट्री का नाम याद रखना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना। सैंड ब्लास्टिंग एंड हार्ड रॉक माइनिंग, ज्यादातर जो आपके पास इसमें से एमसीक्यू आता है वो सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री के नाम से आता है। एक बंदा था वो आपके पास प्रेजेंट किया है कि क्रॉनिक वर्सनिंग डिस्निया है उसे, एंड मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और साथ उसके थोड़ा बहुत कफ एंड स्प्यूटम है, बहुत ज्यादा नहीं है। और वो काम करता है सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। बताएंगे 50 साल का उम्र का शख्स है जो सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद वो कहेंगे कि उसकी लंग की पिक्चर में यू फाउंड आउट वीकली बायरफ्रिंजेंट नोड्यूल्स, और एक हाइपर प्लास्टिक पैटर्न था, अनियन स्किन पैटर्न। तो बताएं कौन सी डिजीज है। तो जाहिर सी बात है कि वैसे अगली बातों को पता नहीं भी देखता, जब उन्होंने कह दिया कि सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री है, क्रॉनिक डिस्निया के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया, तो इसका मतलब 100% उसको सिलिकोसिस है, और ये है भी बहुत प्रेविलेंट है, इसलिए ये अक्सर एमसीक्यू में इसी तरह से आता होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं कहूँ कि पहली बात तो मोस्ट प्रेविलेंट है, दूसरा इसकी सिलिका की दो फॉर्म्स होती है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एक एमॉर्फस फॉर्म होती है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसकी एक फॉर्म है क्वार्ट्ज, जिसको कहते हैं, आपने पहले भी शायद पढ़ा हो केमिस्ट्री में, ये सबसे ज्यादा जो है डैमेजिंग है। बस इतना नाम इसका क्वार्ट्ज का नाम याद रखना है, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू में पूछते हैं कि क्वार्ट्ज सिलिका की फॉर्म है जो कि मोस्ट डैमेजिंग है, लेकिन ये अगर प्योर फॉर्म में होगी तो बहुत डैमेज करती है, लेकिन अगर इसके साथ चीज़ें मिक्स होकर आप पे इफेक्ट करेंगी तो डैमेज कम हो जाता है। और यही बात हमारे लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि क्वार्ट्ज प्योर फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट करती है, ज़्यादातर आपकी इंडस्ट्रीज में ये मिक्स फॉर्म में आती है। इसकी बैक्टीरियोसिस की बात की जाए तो हमारे पास होता ही है कि जब भी सिलिका पार्टिकल्स को आप इनहेल करेंगे, ये कोई 10-15 दिन में डेवलप होने वाली डिजीज नहीं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स डेवलप होती है। मतलब 20-25-30 साल से जो एक बंदा ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पर सिलिका का एक्सपोजर उसको मिल रहा है, उसके बाद जाके डेवलप होती है। और होता क्या है कि एक सिलिका पार्टिकल्स आप इनहेल कर रहे हैं, वो आपके लंग्स में जा रहे हैं, लंग में जाके वो इन्फ्लेमोसोम की एक्टिवेशन कराते हैं। वॉट इज इन्फ्लेमोसोम? ये आपकी बॉडी का वो सिस्टम है जो सारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट करेगा, और जो डैमेज होगा एक्चुअली वो आपका इन्फ्लेमेशन सारा करती है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपके इंटरल्यूकिंस हैं, आपके साइटोकाइंस हैं, आपके फ्री रेडिकल्स बीच में जनरेट होने लग जाते हैं आपके। फिर वहां पर आपको पता है कि जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि हॉलमार्क ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज हीलिंग एंड फाइब्रोसिस, ठीक है। ये बात मैंने आपको बहुत दफा बताई है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में डैमेज और हीलिंग का प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है, इधर डैमेज हो रहा है इधर हीलिंग हो रही है, इधर डैमेज हो रहा है इधर हीलिंग हो रही है, और वो हीलिंग हमेशा फाइब्रोसिस से हो रही होती है। इसी वजह से वो हीलिंग कंप्लीट नहीं होती, जो आपका टिश्यू बन रहा है हीलिंग के बाद भी वो भी आपका काम का टिश्यू नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो आपका वहां पर जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, जो आपके वहां पर मैक्रोफेजेस वगैरह वो सारे आ जाते हैं, वो आपका आहिस्ता आहिस्ता डैमेज उस जगह का करते रहते हैं, ठीक है।
अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी में देखते हैं, ये बात आपने अगली याद रखनी है कि पैथोजेनेसिस आपसे कोई पूछता नहीं है, मॉर्फोलॉजी पूछते हैं, तो दो बातें इसमें आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जब आप उसकी हिस्टोलॉजी की पिक्चर देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी, उसमें आपको जिस तरह हमने पहले अनियन स्किन पैटर्न पढ़ा था ना कहीं पर, एक दफा आर्टरीज में पढ़ा था, खैर उसको इससे मिक्स नहीं करना, उसमें भी हमने ये कहा था कि सेंटर में अगर आपके पास एक एमॉर्फस सी कलेक्शन हो और उसके आसपास आपको फाइबर्स इस तरह से कलेक्ट हुए हुए हो कि आपको ऐसा लगे कि जैसे प्याज के छिलके ऐसे अरेंज होते हैं ना इस तरह से, उसको हम अनियन स्किन पैटर्न कहते हैं, कि हाइलिनाइजेशन ऑफ द फाइबर्स अराउंड अ सेंट्रल एरिया, तो सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया होता है और साइड पे इसी तरह फाइबर्स सारे जो कॉलेजन के वो अरेंज हुए होते हैं, और इस किस्म के जो नोड्यूल्स बने हुए होते हैं जगह जगह वो आपको मिलते हैं आपकी इसमें सिलिकोसिस में। ये होता है बेसिकली ये कि जो आपका सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया है ना, ये जो आपका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उसकी वजह से बनता है। तो ये आपके जो बाद में उस एरिया में जहाँ पर आपके सिलिकोटिक नोड्यूल्स आते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्टिवेट होता है, वो इस तरह का एक छोटा सा नेक्रोटिक एरिया बनाते हैं, उसके गिर्द फिर सारे फाइबर्स डिपॉजिट होते हैं एक पैटर्न से, इसलिए सारा का सारा आपका बनता है, ठीक है। और इसमें आपको जो दूसरी चीज़ है, फिर आप पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी से देखते हैं, यानी आप स्पेशल किस्म की लाइट डाल के देखते हैं, तो आपको वीकली बायरफ्रिंजेंट सिलिका पार्टिकल्स मिलते हैं। वो क्या चीज़ होती है, बायरफ्रिंजेंट हम उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ये लफ्ज़ आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, मैंने कहा बता दूँ, बायोफ्रिंजेंट का मतलब वो वाली कोई भी ऐसी चीज जिसकी दो रिफ्रैक्टिव इंडिसीज हों, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एक सब्सटेंस का दो डिफरेंट तरह का वो शो करे, एक तरह की लाइट से वो एक तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करे, दूसरी तरह की लाइट अगर हम उसमें डालें तो दूसरी तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आए, जाहिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आएगा तो लाइट की जो उसकी रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट होगी, तो इन शॉर्ट जो कलर है वो डिफरेंट तरह का आएगा, ठीक है। तो सिलिकॉटिक नोड्यूल्स जो है वो बायोफ्रिंजेंट किस्म की होती है, यानी जब हम उस पर पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी से देखते हैं, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी में हम उस पर स्पेशल किस्म की लाइट डाल के देखते हैं, तो हमें वो एक खास किस्म की उनकी शक्ल नजर आती है, यानी एक खास किस्म का कलर नजर आता है। तो वो एबिलिटी जो है वो सिलिका पार्टिकल्स में, और वो हमें करेक्टरिस्टिक होती है सिलिका से ही, कि वो मतलब बता देते हैं कि भाई ये वही है, ठीक है। और ये डिजीज मैंने बताया बहुत स्लोली प्रोग्रेसिव है, पेशेंट्स को अक्सर औकात इस स्टेज तक के उनके अंदर बकायदा सारे सिलिकॉटिक नोड्यूल्स बन चुके होते हैं, इस किस्म के भी बन चुके होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, इवन उन्हें डिस्निया भी नहीं होता, उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी नहीं होती, जब तक कि या आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस की हद तक ना पहुंच दे। प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस का मतलब ये कि इतनी ज्यादा फाइब्रोसिस हो रहा है, क्योंकि जाहिर है मुसलसल डिजीज चल रही है ना, 30 साल हो गए एक बंदे को, मुसलसल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैसिवली वो लंग को इन्वॉल्व कर लेती है, और जब बहुत ज्यादा पोर्शन लंग का इन्वॉल्व होकर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तब पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, स्पूटम आने लग जाते हैं, और तब तक लंग की जब हम पिक्चर देखते हैं तो इतने ज्यादा फाइब्रोसिस हो चुकी होती है, इतनी फाइब्रोसिस, क्योंकि आपको पता है कि जहां जहां फाइब्रोसिस होती है वो वाला जगह ऐसे स्कार टिश्यू खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से छोटा सा नोड्यूल बन जाता है, जब आपके बहुत सारे नोड्यूल्स बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि हनीकॉम पैटर्न बन गया, ठीक है। जिस तरह शहद की मक्खी का घर होता है उस किस्म का पैटर्न बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे नोड्यूल्स बने थे जिनने आपस में सबने अपने आपको कॉन्ट्रैक्ट करते गए, तो हनीकॉम पैटर्न बन जाता है पेशेंट का, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं, उसके डिस्निया वगैरह होता है, और आखिर में आपका जब प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होती है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पूटम बहुत ज्यादा हो चुका होता है, ठीक है। तो सिलिकोसिस जिन लोगों को होता है उनमें टीबी होने का खतरा भी बढ़ चुका होता है, क्योंकि सिलिकोसिस जो है ना आपकी मैक्रोफेजेस की जो एबिलिटी है उसको खत्म करता है, उसको डिक्रीज करता है, सिलिकोसिस की वजह से आपका ये जो फाइब्रोसिस हो जाते हैं ना लंग में, तो मैक्रोफेजेस की जो एबिलिटी है कि वो डिस्ट्रॉय करें दूसरी चीजों को और इनगल्फ कर लें किसी भी पार्टिकल को, वो डिक्रीज हो जाती है। जब इनगल्फ नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि वो इफेक्ट करेंगे, और टीबी भी ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा कॉमनली हो जाया करता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जल्दी से जरा सा एस्बेस्टोस के बारे में बात कर लेते हैं। एस्बेस्टोस आपका इस नाम से आपने हमेशा याद रखना है कि इसकी वजह से, ये एक ऐसी लंग डिजीज है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, लेकिन इसकी वजह से लंग कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। लंग कार्सिनोमा और किसी भी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में नहीं होता, सिर्फ एस्बेस्टोसिस में होता है। इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मीजोथीलियोमा। मीजोथीलियोमा क्या होता है जी, आपका मीजोथीलियल लेयर का जो कैंसर होगा, और मीजोथीलियल लेयर क्या है, जो आपकी जितनी भी कैविटीज हैं उनको जो लाइन की हुई है लेयर, वो आपकी मीजोथीलियल लेयर है, यानी जो लंग्स में आपकी प्लूरल कैविटी है, बेसिकली लंग्स आपके प्लूरा में होते हैं ना, तो जो प्लूरल कैविटी है उसकी लाइनिंग जो अंदर की तरफ से वो सारी मीजोथीलियम से है। ये मीजोथीलियम आपकी मीजोडर्म से डिराइव होती है, बस इतना याद रख लें कि मीजोथीलियम इज द लाइनिंग ऑफ योर लंग, और उसमें कैंसर डेवलप हो जाता है एस्बेस्टोस की वजह से, तो इसको मीजोथीलियोमा कहते हैं, क्योंकि एस्बेस्टोस फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। एस्बेस्टोस की वजह से तो 4-5 आपके सीक्वेले होते हैं, वो आपने याद रखने हैं, आपकी बुक में एज इट इज लिखे हुए हैं, कि सबसे पहले इसमें आपका फाइब्रोसिस होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव इंटरस्टीशियल फाइब्रोसिस है, फिर प्लाक्स बनते हैं, उसके बाद आपकी प्लूरल फ्यूजन होती है, और एंड में ये लंग कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मीजोथीलियोमा कर देते हैं। लेकिन आपने एक मोटी सी बात याद रखनी है, जो इसमें पैथोजेनेसिस है ना, वो सारी की सारी सिलिकोसिस जैसी है, कि ये अंदर जाएगा, उसके बाद ये इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट करेगा, मैक्रोफेजेस की जो एबिलिटी है, इन्फ्लेमोसोम का मतलब ये कहते हैं, जब इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट हो जाती है ना, तो बहुत ज्यादा वहां पर साइटोकाइन्स, इंटरल्यूकिन्स और फ्री रेडिकल्स आने लग जाते हैं। अब इन्फ्लेमेशन का काम ही होता है कि वो
जो हमारा ऑफेंडिंग एजेंट है यानी जो एस्बेस्टोस है उसको डिस्ट्रॉय करके ख़त्म करें। लेकिन मसला यह है कि पेशेंट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो 25 साल से या फिर वो 50 साल से एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, करता ही जा रहा है, हर रोज़ का एक्सपोजर है। तो हर रोज़ के एक्सपोजर की वजह से जब उसका एजेंट जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा, एस्बेस्टोस रोज़ाना आ रहा है, तो बेचारा लंग के मैक्रोफेजेस कितना उसको डिस्ट्रॉय करें या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कितना डिस्ट्रॉय करें, उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती। तो फिर होता यह है कि एस्बेस्टोस जीत जाता है जंग और फिर वो सारा खराबी करता जाता है, और होता सारा उसी तरह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स से ही सारा आपका सिलसिला होता है। सिर्फ जो ये ट्यूमर इनिशिएटर और प्रोमोटर वाली इसकी एबिलिटी है ना वो डिफरेंट है। वो ये इस वजह से होती है कि हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि एस्बेस्टोस जो है ना वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है, मतलब एस्बेस्टोस की वजह से जब आपकी इन्फ्लेमेशन होती है तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपकी जेनेटिक म्यूटेशन कर देते हैं और आपके ऑनको जीन्स जो है वो आपके एक्टिव हो जाते हैं। ऑनको जीन्स वो वाले जीन्स हैं जो कि कैंसर डेवलप कर सकते हैं जब उनमें थोड़ी सी भी म्यूटेशन है। तो जब फ्री रेडिकल्स जो जेनेटिक म्यूटेशन करेंगे तो ऑनको जीन्स में म्यूटेशन आ जाएगी और फिर वो कैंसर कॉजिंग बन जाएंगे। इतना याद रखना है कि बाकी जितनी भी हमने भी डिजीजेस पढ़ी हैं, सिलिकोसिस पढ़ी और एंथ्रेकोसिस, दोनों अपर जोन ऑफ लंग में आती थी। एस्बेस्टोसिस हमेशा लोअर जोन से शुरू होती है, बॉर्डर्स की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता यानी कि प्लूरा के करीब करीब ऊपर जाती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। ठीक है, ये भी स्लोली फैलने वाली है। और इसमें भी आपको दो बातें याद रखनी है कि एक तो इसमें मैसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है, मतलब यही कि आपका हीलिंग है साथ साथ आपका जो डैमेज और हीलिंग का प्रोसेस साथ चल रहा है। इस वजह से आपका जितना भी इंटरस्टिशियम ऑफ योर लंग है, इंटरस्टिशियम का मतलब है कि आपके एल्वियोलाई के आसपास जितना भी पैरेन्काइम ऑफ द लंग है, जितना भी मटेरियल सारा है जिससे लंग बना हुआ है, उस सारे में फाइब्रोसिस यानी फाइबर्स की डेवलपमेंट होने लग जाती है और उसके साथ आपको एस्बेस्टोस बॉडीज मिलती हैं। एस्बेस्टोस बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ऐसे आपको ना होता ही है कि आपका मैक्रोफेज है ना, एस्बेस्टोस अंदर आया, आपको पता है कि मैक्रोफेज की एबिलिटी है कि वो जो भी चीज़ अंदर आती है उसे खा जाता है। तो मैक्रोफेज इसको भी खाने की कोशिश करता है, ये मैक्रोफेज और ये उसके अंदर एस्बेस्टोस है। लेकिन एस्बेस्टोस इतना चलाक होता है कि ये मैक्रोफेज को कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं खाया जा सकता, उल्टा ये क्या करता है कि अंदर जाके मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैक्रोफेज जब डिस्ट्रॉय करता है तो मैक्रोफेज के पास जितना भी आयरन वगैरह होता है ना वो इस एस्बेस्टोस के ऊपर लगा हुआ रह जाता है। मतलब होता ये है कि मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अब ये हुआ ये कि एस्बेस्टोस ने मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय किया और ये अब एस्बेस्टोस है और इसके ऊपर आयरन लगा हुआ रह गया जो कि इसके अंदर था, मैक्रोफेज के अंदर। तो आपको जब पिक्चर आप देखते हैं ना हिस्टोलॉजी में, तो आपको मिलती हैं छोटी छोटी सी गोल्डन से कलर की बॉडीज। वो बॉडीज बेसिकली होता ये कि एस्बेस्टोस के ऊपर आयरन कोट हुआ हुआ होता है और वो आयरन इन मैक्रोफेजेस से आता है जो उन्हें खाने के लिए आए थे, लेकिन बेचारे उल्टा खुद ही मर गए। और ऐसा ऐसा वही बात है कि आपकी सारी एयर स्पेसेस खत्म होने लग जाती हैं, प्लूरल प्लाक्स बनते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लूरा के आसपास ना थिकनिंग डेंसिटीज बनने लग जाती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि सारी डिपॉजिट्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर आपका पेशेंट का फाइब्रोसिस जो है वो एंड में कैंसर भी अक्सर औकात बन जाया करता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है इनका। और यहाँ पर बात खत्म करते हैं, अभी तक किसी कोई मसला हुए कि नास्मी, थैंक यू।